हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 5th, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालखीवाला। तो जो एलिंग मीन्स होता है इल प्लैनेट, चलो इसको सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है वो डिस्कस करते हैं। ए होलिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल व्यूज, इसका मीनिंग है ए व्यू दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ प्लैनेट एंड क्रिएचर्स विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट एज ए होल। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए डेवलपमेंट दैट कैन बी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। इंटर एलिया इस मीन्स अमंग अदर थिंग्स, डेसिमेटेड सेवरल डिस्ट्रॉयर्स और डैमेज लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स सॉरी प्लांट एंड एनिमल्स। फिफ्थ इसमें है लैंगिस, टू लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन इन एन अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड सिचुएशन। सिक्स्थ है कैटाग्रोसफिक डिप्लेशंस, ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कोज बाय सम डिस्ट्रक्टिव नेचुरल इवेंट। इग्नोमिनियस डार्कनेस, समथिंग दैट इज डिसग्रेसफुल एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। लास्ट है ट्रांसेंडिंग कंसर्न्स, टू बी वरीड अबाउट समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स। तो सबसे देखिए द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज रिटन बाई नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। ये आर्टिकल लिखा था नानी पालखीवाला ने और इसको इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया था 24 नवंबर 1994। द इशू दैट द He raised regarding the declining health of earth continue to have relevance. तो ये किस ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है अर्थ के डिस्ट्रॉय होने पर, अर्थ की हेल्थ के ऊपर कि किस तरह अर्थ है वो ख़त्म होती जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। लगभग 25 years ago, लगभग 25 साल पहले एक ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था। इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। सिंस देन द मूवमेंट हैड नॉट लुक्ड बैक। देखो ये मूवमेंट 1972 में शुरू हुआ लेकिन ये जो ग्रीन पार्टी ये इसकी जो फाउंडेड थी नींव रखी थी न्यूजीलैंड में, और जब ये मूवमेंट स्टार्ट तो कर दिया लेकिन बाद में इन लोगों ने किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। ये ग्रीन मूवमेंट क्या था कि अर्थ है उसको हमें सेफ बनाना है, सुरक्षित बनाना है, अर्थ को जो ह्यूमेंस हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे, अर्थ की जो ग्रिप है वो कमज़ोर होती जा रही है। और इतिहास में इस बात को बताया गया है कि अर्थ है उसका इस टाइम उसका हाल है वो बहुत खराब है। वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स, इरिवोकेबल इट मीन्स कैन नॉट बी चेंज, ऐसी थिंग जो चेंज ना हो, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक वेव टू ए होलिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल वेव्स ऑफ द वर्ल्ड। होलिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल मतलब होता है संपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए तो इट इज़ शिफ्ट ए ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूटरी एज दैट इंट्रोड्यूस बाई कॉपरनिक्स हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवोल्व अराउंड द सन। अब देखिए कॉपरनिक्स ने क्या किया, सब लोग ऐसे सोचते थे सबसे पहले कि अर्थ है वो उसके ही चारों तरफ सब घूमते हैं, लेकिन जैसे ही कॉपरनिक्स ने ये डिफाइन किया कि सन के राउंड है, कि जो अर्थ है वो सन के राउंड घूमती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देर इज़ ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इट सेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑनरोमस बींग्स ऑफ विच वी आर पार्ट्स। और इन्होंने जब ऐसा बताया तो सब लोग एकदम से चौंक गए थे, सबको ये लग रहा था कि अर्थ है कि जो हमारी अर्थ है पृथ्वी है वो घूमती है सन के चारों तरफ। ये राइट है कि जो हमारा पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है ना कि सन पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो ये इस चीज़ के लिए सब लोग कॉन्शियसनेस हुए, जागरूक हो गए, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे हमारे जो अर्थ के ऊपर जो लिविंग थिंग्स थी वो बहुत बड़ी थी,
इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स. मेटाबॉलिक नीड्स मतलब जो केमिकल प्रोसेस होता है अर्थ का, एंड वाइटल प्रोसेस दैट नीड टू बी रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व. अब इसकी इसका रिस्पेक्टेड करने की और इसको प्रिजर्व इसको रख रखाव करने की ज़रूरत थी किसको, अर्थ को. द अर्थ इज वाइटल साइंस रिवील्स ए पेशेंट इन ए डिक्लाइन हेल्थ. डिक्लाइन मतलब गिरते हुए, अर्थ की हेल्थ को गिरते हुए देखा है. इस आर्टिकल में ऐसा लिखा था, वी हैव बिगिन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ प्लानेट आर रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन. स्टीवर्ड्स में मतलब होता है उसकी देखभाल करना. ये एक ऑब्लिगेशन है कि इसका जो प्लानेट है उनकी उनका रख रखाव करना चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रस्टीज़ जो ह्यूमेंस हैं उनकी, ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, कि अगर हम अपने अर्थ को अच्छा रखेंगे तो जो हमारी जनरेशन है वो इसको अच्छे से यूज कर पाएगी. अदरवाइज़ हम लोग अगर इसको डिस्टर्ब कर लेंगे तो हमारी जो लेगेसी है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका क्या होगा. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. अब ये कंसेप्ट निकाला गया कौन सा, सस्टेनेबल मतलब होता है टुडे, आज का जो डेवलपमेंट है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है. 1987 में वर्ल्ड के जो कमीशन थे उन्होंने इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट उठाया, एक मुद्दा उठाया. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, आई मतलब होता है दैट विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो आज की नीड है, प्रेजेंट की नीड है, प्रेजेंट की ज़रूरत है. विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि जब हम इसको अपनी जो अर्थ है उसको सुरक्षित रखेंगे, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है तो उनकी नीड तभी पूरी हो जाएगी. अदरवाइज हम इसको स्ट्रिपिंग कर देंगे, फिनिश कर देंगे और जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, वो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको नहीं मिल पाएंगे. इन द जू एट लुसाका जैम्बिया देर इज़ ए केज वेयर द नोटिस रीड द वर्ल्ड इज़ मोस्ट डेंजरस एनिमल. अब एक जू है लुसाका जो जैम्बिया में है, जू का नाम है लुसाका और प्लेस है जैम्बिया. वहाँ पे केज है, उसमें लिखा गया है कि वर्ल्ड है वो ही मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है. इन साइड द केज देर इज़ नो एनिमल बट ए मिरर वेर यू सी योर सेल्फ, कि इनसाइड द जब आप पिंजरे के अंदर रहते हो, इनसाइड द केज देर इज़ नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं होता बट एक मिरर होता है जब तुम अपने आप को देखते हो. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसियाँ इन डिफरेंट कंट्रीज इन न्यू अवेयरनेस हाउ हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. अब बताता है कि जो नंबर ऑफ जो एजेंसियाँ हैं ना, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में जाना और इन इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि जब हम अपने आप को इन मिरर में देखते हैं तो सबसे डेंजरस क्या है, हम अपने आप के लिए खुद ही हैं, क्योंकि हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं. उसके बाद आगे है, He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. और यहाँ पे वो realized करते हैं कि wisdom of shifting और एक ऐसा system based होना चाहिए जो domination के ऊपर based हो और उसके partnership के ऊपर. Scientists have cataloged about 1.4 million living species with that mankind share the earth. साइंटिस्ट है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसिस है इस दुनिया में जो अर्थ के ऊपर रह रही है, ऐसी जो लिविंग जातियां हैं. एस्टिमेट वर वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पेसिस बायोलॉजिस्ट रिकॉन मतलब गैस किया गया है दैट अबाउट 300 to 100 million अदर लिविंग स्पेसिस एंड लैंग्वेज अननेम्ड इन इकोनॉमिक्स डार्कनेस.
और 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसिस तो इन्होंने खोज लिए हैं साइंटिस्ट ने। ये 19th सेंचुरी की बात है, लेकिन अब तो 21st सेंचुरी आ गई है, तो अब तो ना जाने कितनी सारी जातियां हैं वो यहाँ पे अर्थ के ऊपर, लैंग्विस मतलब होता है इधर उधर, डार्कनेस अंधेरे में कहीं खो गई होंगी, लगभग 300 to 100 million। वन ऑफ द ईयरली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर एलिया एलियमस अदर विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट वॉज द ब्रांडेड कमीशंस विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर मिस्टर एल के झा। अब देखिए यहाँ पे बताया कि इंटरनेशनल जो कमीशन है उन्होंने दूसरे क्वेश्चन भी उठाए हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के ऊपर, किसने, ब्रांड कमीशन ने, और उन्होंने बताया है कि वो एक पहले मिस्टर एल के झा जो इंडिया के पहले मेंबर थे उन्होंने सवाल उठाया है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और उन्होंने पहला क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव योर सक्सेसर ए स्कोरहेड प्लानिट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स इम्पॉरिस्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट। और क्या सवाल उठाया उन्होंने, आर यू लीव, क्या आप छोड़ोगे एक स्कोरहेड मतलब सूखा ड्राई प्लानिट एंड या फिर डेजर्ट वाला प्लानिट अपने जो इम्पॉरिस्ट मतलब होता है इम्पॉरिस्ट लैंडस्केप मतलब पुअर लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट, क्या अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए आप एक सूखा प्लानिट छोड़ोगे और एक बीमार प्लानिट छोड़ोगे, जैसे कि हम सब कुछ अगर डिस्टर्ब कर देंगे नेचुरल थिंग्स जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके बारे में बताया गया है कि वो क्या यूज़ करेंगे, क्या हम उनके लिए एक इम्पोरिस्ट एंड एलिंग प्लानिट छोड़ के जाएंगे। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हीज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने एक थॉटफुल बुक लिखी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ इज प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरह से जो हमारी बॉडी में सिस्टम होते हैं वैसे ही अर्थ के सिस्टम्स होते हैं फोर, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये एक नींव रखते हैं किसी भी, जिस तरह से डाइजेशन सिस्टम है ये हमारी बॉडी की नींव है, बेस है, उसी तरह से जो बायोलॉजिकल सिस्टम अर्थ के होते हैं वो चार होते हैं, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन एडिशंस टू सप्लाइंग आवर फूड दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। तो वो बताते हैं कि ये अर्थ है, ये क्या, ये जो नेचर है ये हमें सब चीज़ें सप्लाई करती है, जैसे रॉ मटेरियल लगा लो, इंडस्ट्रीज की जो थिंग्स है वो लगा लो, यहाँ तक कि वो एक्सेप्ट शायद मिनरल और पेट्रोलियम को छोड़कर और हमें सब चीज़ें प्रोवाइड करती, क्योंकि वो तो अर्थ से निकलते हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल मतलब हार्मफुल, हानिकारक लेवल, ए पॉइंट वेयर दैट प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। अब देखिए बताते हैं कि यहाँ तक कि अगर अर्थ है उसकी उसका जो लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, हानिकारक लेवल पर पहुंच जाएगा, तो हमारी जो अर्थ है वो ख़त्म हो सकती है। व्हेन दिस हैपन फिशराइज कॉलेप्स, फॉरेस्ट डिसअपीयर, ग्रासलैंड एंड कन्वर्ट इनटू द बैरन वेस्टलैंड एंड क्रॉपलैंड डेट्रोटिक्ट मतलब होता है फिनिश। अगर जब इस तरह से कुछ हैपन हो, घटी, तो जो फिशर्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, जंगल डिसअपेयर हो जाए, गायब हो जाए, ग्रासलैंड का जो ग्रासलैंड है, ग्रीन ग्रास है, वो एक बैरन वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाए, और जो क्रॉप्स हैं वो भी फिनिश हो जाएं, तो हमारी क्या कंडीशन होगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, आवर वर्ल्ड इज ए प्रोटीन कॉन्शियस, हमारा जो देश है वो प्रोटीन के लिए कॉन्शियस है, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, फिश से।
ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, बहुत सारी फिश हैं वो एवरी डे कंज्यूम होती क्योंकि फिश में प्रोटीन होता है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मतलब कट करना, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और बहुत सारी जो लकड़ियां हैं उनके लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है, लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं ताकि उनको फायरवुड मिल सके। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम टू एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। बहुत सारे प्लेसेस में ऐसा होता है कि फायरवुड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है बजाय जो पॉट के अंदर पक रहा होता है उसकी बजाय। तो ये बताया गया है कि जो पॉट के अंदर खाना पक रहा है उसकी कीमत कम होती है बजाय जिससे खाना पक रहा है, मतलब वुड की कीमत ज़्यादा होती है मोर देन पॉट में जो रखा होता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर माइरस द पावर हाउस ऑफ द एवोल्यूशन, सेवरल स्पेसिस ऑफ लाइफ इज एक्सटेंशंस एज रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रिक्शन। और बहुत सारी जो सवल जो स्पेसिस होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, वो लुप्त तो होती जा रही है। एस्टर मिस्टर मायर्स ने कहा है कि इस तरह से अगर ये पेड़ कटिंग ये सब चलता रहा तो बहुत सारी जातियाँ हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट ये पार्ट वन था इस चैप्टर का, नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और इसके कुछ एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके, थैंक यू।